हाय फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम कोई एक डिसीजन लेते हैं एक्सेप्ट का या रिजेक्ट का, हाइपोथेसिस का, और हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है या नहीं हो सकती। आइए इसी को आगे चलते हैं और लॉ के केस में हम इसको डिस्कस करते हैं। लॉ इसलिए क्योंकि जब फॉर्मल रिसर्च शुरू नहीं हुई थी, लॉ तो उससे भी पहले से शुरू हो गया था। जब भी ह्यूमन सेटलमेंट एक सोशल सेटअप के तौर पे बसे, लॉ वहाँ पे शुरू हो गया था। और जो भी इनिशियल जज ज्यूरी रहे होंगे, उनके सामने इस तरह के कुछ इश्यूज आए होंगे कि कोई पर्सन क्रिमिनल है या नहीं, और हम ट्रायल के बेस पे कुछ डिसीजंस लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, लॉ कहाँ से शुरू होता है। ये नल हाइपोथेसिस से शुरू होता है, और सबसे पहले नल हाइपोथेसिस होती है कि एक्यूज्ड और क्रिमिनल दोनों में एक फ़र्क है। सिर्फ आपके कह देने से कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता, तो इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। और सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस नॉट क्रिमिनल, यानी आप किसी को अगर कहें ना कि ये क्रिमिनल है, तो कोर्ट बोलेगी नॉट नो क्रिमिनल, आप प्रूव करो उसे। और जो दूसरा रहता है, ये रहती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब एक सिनेरियो, लेट से मिस्टर एक्स ने मेरे घर का कुछ सामान डैमेज कर दिया, और मेरे घर पे कैमरे लगे हुए थे, मैंने देख लिया, दो विटनेस भी हैं जिन्होंने उनको देख लिया। तो अब मैंने कहा कि मिस्टर एक्स ने मेरा कुछ प्रॉपर्टी का डैमेज किया है, तो मैं उनको कोर्ट ले गया। अब यहाँ इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, एक मैं हूँ, एक मिस्टर एक्स है, और एक कोर्ट है, जज है। तो मैं वहाँ पे जज को जाके मैंने कहा, सर ये मिस्टर एक्स, इसने मेरा डैमेज किया है। तो मिस्टर एक्स हो गया एक्यूज्ड। तो जज बोलेगा नल हाइपोथेसिस नॉट गिल्टी। अगर मैं जज से पूछूं कि सर इसके क्या है, कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, आपको कैसे पता नॉट गिल्टी, तो जज का कहना होगा कि ये नेचुरल जस्टिस है कि नॉट गिल्टी, आप प्रूव करो इसे, बियॉन्ड डाउट प्रूव करो, आप अपने विटनेस लेकर आइए, आप अपना जो भी एविडेंस है वो लेकर आइए, और अगर हमें लगा कि हाँ ये तो वाकई है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेट को हम देखेंगे फिर। तो दो डिसीजन है, पनिश करें या एक्विट करें। अब यहाँ चार सिनेरियो है। अगर वो पर्सन, लेट से ये हमें एक्चुअल में पता है कि क्रिमिनल है, ठीक है, और कोर्ट ने कहा ट्रायल के बेस पे कि वो तो क्रिमिनल है, तो उसको पनिश करो, गुड, अच्छा डिसीजन है। और कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये तो एक्चुअल में भी बंदा इनोसेंट है, और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो कोई प्रूव नहीं हुआ है, पर्सन इनोसेंट है, ये भी अच्छा डिसीजन है। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू। इस केस में एक्चुअल क्रिमिनल नहीं है, पर कोर्ट ने कहा कि सारे ट्रायल से, सारे एविडेंसेस से पता लगा है कि यही क्रिमिनल है, पनिश करें, एरर है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा कन्विक्टिंग द इनोसेंट। एक्चुअली इनोसेंट है पर्सन, लेकिन हम उसको कन्विक्ट कर रहे हैं। और चौथा, एक्चुअल क्रिमिनल है और उसमें हमने कहा इसको एक्विट कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, ये कोई प्रूव नहीं हो पाया, एविडेंस नहीं है इसमें, ठीक है, आप बोल रहे हो क्रिमिनल है, पर कोई ऐसे मिले नहीं है, हमें प्रूफ नहीं मिले हैं। अब ये तो दोनों ही बड़े सीरियस हैं, कौन सा ज़्यादा सीरियस है? अगर आपसे मैं पूछूं कि किस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्रिमिनल को पकड़ने पे या इनोसेंट को ना कन्विक्शन हो, किस पे? तो अगर आपने कभी मूवीज़ देखी हों या नॉवेल्स पढ़े हों, तो एक चीज़ जो बॉलीवुड में स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस की जाती है कि भले ही लाख गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हम बहुत ज़्यादा सीरियस मानते हैं, कन्विक्टिंग द इनोसेंट। तो इसका जो नाम है वो हम रखते हैं टाइप वन एरर, अल्फा बोलते हैं इसे, और इसका नाम रखते हैं टाइप टू एरर, बीटा, राइट। तो ये खैर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, कई ऐसे मानते हैं टाइप टू एरर ज़्यादा सीरियस है, कई मानते हैं टाइप वन एरर ज़्यादा सीरियस है, दोनों का लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन हम इसकी जो वैल्यू है वो रखते हैं 5% टाइप वन की, और इसकी रखते हैं 80%, वो भी अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, 80% क्या है। पहले ये बताइए कि ये क्या अल्फा क्या हुआ। अल्फा हमने रखा है कि कोई एक्चुअल में इनोसेंट होगा और हम उसको क्रिमिनल ठहरा देंगे, ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअल में ट्रू है, पर हम उसको बोल रहे हैं नहीं, रिजेक्ट। और लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, 1 माइनस अल्फा अगर हम करें, इसको बोलेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। 95% हम सही होंगे कि एक्चुअल क्रिमिनल को ही पनिश करेंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस, हमारा टेस्ट कितना एम्पावर्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक इनोसेंट को एक्विट कर दे, इस चीज को बोलते हैं 1 माइनस बीटा, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट। ये प्लेलिस्ट इसके बारे में ही है, पावर ऑफ द टेस्ट के बारे में। तो पहले तो आप ये समझिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अल्फा और बीटा को दोनों को साइमल्टेनियसली कम नहीं किया जा सकता,
अगर आप अल्फा को कम करेंगे तो बीटा बढ़ जाएगा, बीटा को कम करेंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो पहली चीज़। तो इन दोनों में से हम इसको रखते हैं 5 और बीटा को रखते हैं 20। तो ये मैंने इसको थोड़ा खोजने की कोशिश की कि कहाँ से आया ये एक्चुअली 5 और 20 का, ये दिया किसने। तो मुझे एक पेपर मिला, कैलकुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग इफेक्ट साइज, ये डेनियल लेकन्स का पेपर है। इसमें इन्होंने एक जगह यहाँ लिखा है, द जनरली एक्सेप्टेड लेवल ऑफ पावर ऑफ टेस्ट इज 0.8, कोहन ने दिया था। आगे इन्होंने दिया भी है कि इसका आइडिया क्या है, बेसिकली ये आया कहाँ से। ये मान के चलते हैं इनका जो रेशो है ना, टाइप 2 एरर टू टाइप 1 एरर, 20/4, दिस इज 4 टाइम्स हम कंसिडर करते हैं कि ये इतना सीरियस है। तो इसीलिए हम इन जनरल मान के चलते हैं कि अल्फा 5 और बीटा 20, ये बहुत थंब रूल्स हैं। अच्छा, ये मज़ेदार बात है, 1988 में कोहन ने दिया था, उसके बाद तो ये एक तरह का फिक्स ही हो गया कि पावर ऑफ टेस्ट मिनिमम 0.8 ही होगा। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग हैं, कई बोलते हैं 90%, 95% ऐसा हो, पर 80 तो होगा ही होगा। अच्छा, ये अल्फा 5 ये कहाँ से आया, ये प्रोफेसर एंडी फील्ड ने अपने बुक में डिस्कस किया है इसको, कि जब ये एक्चुअली ये दिए किसने थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वगैरह, प्रोफेसर आर ए फिशर ने। तो आर ए फिशर ने जब दिए, एंड ही वॉज अ वन ऑफ द ब्रिलियंट पर्सन उस जमाने में, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन थे प्रोफेसर फिशर। तो प्रोफेसर फिशर ने क्या किया, कुछ टेबल्स बनाई, 1% की, 5% की, 10% की। उन्होंने कहा देखो ये हैं, बाकी आप जो काम करो तो उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लीजिए अकॉर्डिंगली। मैंने कुछ अपेंडिक्स बना के दे दिए हैं। दुनिया को क्या समझ आया, 5% पे ही काम करना होता है, क्योंकि फिशर ने ऐसा कहा है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, कि कहाँ से काम कैसे शुरू होता है। अच्छा, शुरू में आपको ये भी जान के एक आश्चर्य होगा कि ये भी एक ऐसा नहीं था, सर्वमान्य था कि सब 0.5 पे ही काम करते थे। बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट थे, बट ओवर द ईयर्स ऐसा हो गया कि फिशर ने कहा है 0.05 पी, 0.05 पे ही काम करना है। कई स्कॉलर इस पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं और एक क्यूरियोसिटी भी रहती है, ऐसा क्या हो गया 0.05 पे, कि 0.051 हुआ तो डिसीजन चेंज, और 0.049 है तो डिसीजन चेंज। नहीं, उतने एडमिट नहीं है, पर हाँ इन जनरल कुछ तो लेंगे हम, तो 0.05 पे लेके हम शुरू करते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम और कहीं अगले कंटेक्स्ट में देखें, मेडिकल के टर्म्स में, तो हम मेडिकल में देख सकते हैं, या लेट्स से एक पर्सन एक्चुअल में सिक है और वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा लैब टेस्ट करवाओ, और पाया कि एक्चुअल में सिक ही है, या हेल्दी पर्सन है और लैब के टेस्ट ने कहा हाँ ये तो हेल्दी है, तो ये तो बड़े अच्छे डिसीजन है। व्हाट अबाउट दिस, हेल्दी पर्सन है और कहा कि आप तो सिक हो, ये तो एरर है। इसको बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव। ये टाइप 1 के साथ आपको ये टर्मिनोलॉजी भी कई पेपर्स में मिलेगी, फॉल्स पॉजिटिव। और अगर एक सिक पर्सन है उसको कहा जाओ खेलो तुम तो हेल्दी हो, इसको बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव। दोनों ऑब्वियसली ये एक ठीक है, अच्छा डिसीजन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ बीटा। तो डॉक्टर आशा चावला मैम ने एक मेरे साथ शेयर किया लिंक, कि ये भी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में। टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव, तो एक पर्सन को, मेल पर्सन को बोल रहे हैं यू आर प्रेग्नेंट, और एक प्रेग्नेंट लेडी को बोल रहे हैं यू आर नॉट प्रेग्नेंट, टाइप 2 एरर हो गया ये, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं, अगले में हम बात करते हैं कि लीगल और मेडिकल का तो हुआ, लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं वहाँ किस तरह की टर्म्स आती हैं, और वहाँ हम कैसे नल हाइपोथेसिस वगैरह को एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हेयर, थैंक यू।